तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्टारक्यू W3 का प्रेशर वॉशर है, जिसका ऑटो कट प्रॉब्लम है और लगभग 150 घंटे से ज़्यादा रन टाइम हो चुका है इसका। तो इसका ऑयल चेंज करेंगे आज हम। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेशर वॉशर में सबसे पहला काम इस प्रेशर गेज को ओपन करना है, जो कि आप एक प्लास या फिर रेंच से ओपन कर सकते हैं। प्रेशर गेज ओपन होने के बाद इसको साइड कर देंगे। अब हम पेचकस से सारे जो भी स्क्रू हैं उसको ओपन करेंगे। सबसे पहले ये फैन का पार्ट जो है इसको ओपन करेंगे। अगर प्रेशर वॉशर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। इसके हैंडल के स्क्रू को ओपन करने के बाद इसे स्लाइड करके ओपन करेंगे। ध्यान रहे वरना ये ब्रेक हो सकता है। आपका प्रेशर वॉशर अगर 150 घंटे से ज़्यादा रन कर चुका है तो उसके ऑयल को ज़रूर चेंज करें, इससे आपके मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रेशर वॉशर को मेंटेन करने के बारे में बताऊंगा, कैसे आप उसे मेंटेन रख सकते हैं, उसके मोटर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर लोग नए प्रेशर वॉशर परचेस करने के बाद उनका हॉस पाइप जो होता है वो काफ़ी जल्दी फट जाता है, उसको कैसे आप प्रिवेंट रख सकते हैं उसका इजी सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको बहुत सारे यूज़फुल ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे। पंप के हेड को ओपन करने के लिए 5 नंबर का एलंकी यूज़ करेंगे। अगर आपका प्रेशर वॉशर काफ़ी लो प्रेशर बनाता है और ऑयल लीक या फिर वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले इसके पिस्टन के रिंग को चेक करेंगे, कहीं से ब्रेक ना हो या ऑयल सील ख़राब ना हुआ हो। अगर ख़राब है तो उसे ज़रूर चेंज कर दें। तो फ्रेंड्स, पंप के हेड को ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं ऑयल कितना काला हो चुका है। इसे हम साइड में कर लेंगे एक बर्तन में। उसके बाद इसके क्लीनिंग के प्रोसेस को चालू करेंगे। आप पेट्रोल या केरोसिन से इसे क्लीन कर सकते हैं। इसके बैरिंग को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। ये इसका बैरिंग है। आप देख सकते हैं ये ऑटोकट का पार्ट है। इसमें ये वाइट वाला जो पार्ट है वो ऑटोकट स्विच से थोड़ा सा ऊपर हो गया था, जिसके वजह से ये ऑटोकट नहीं हो रहा था। पिछले वीडियो में हमने स्टारक्यू W5 रिपेयरिंग के बारे में दिखाया था आपको। आप आई बटन पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। इसमें बाइक का इंजन ऑयल डालेंगे, जो कि स्क्रू के लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो स्टारक्यू W3 हो, W5, W4 हो या फिर JPT का कोई भी प्रेशर वॉशर घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसे वापस फिर से पैक कर देते हैं और देखते हैं ऑटो कट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर आपको भी प्रेशर वॉशर परचेस करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं।